subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ सुमेरा एंड ये एक मैंने पेट डिस्पेंसर देखा था जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना कैट्स के लिए इसको लाया जाए घर में और ट्राई किया जाए कि ये कैसा है. और आज मैं आपको इसी के ऊपर रिव्यू देने वाली हूँ कि ये अपने कैट्स के लिए बेस्ट है या नहीं है. तो चलिए हम इसे ओपन कर लेंगे. एंड जो कि मुझे दोनों एक साथ चाहिए था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पानी अलग बोल में देना पड़ता है, फूड अलग बोल में देना पड़ता है. तो मैंने यही सोचा था कि अगर मैं ये ऑर्डर कर लेती हूँ तो मुझे इजी पड़ेगा कैट को एक ही साथ देने के लिए दोनों चीज़ें. इसमें कुछ कलर्स अवेलेबल हैं, मुझे बंगाल कैट्स के लिए चाहिए था तो मैंने ब्लू ही चॉइस किया क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेंगे. और ये हाफ लीटर की बॉटल है जो कि एक दिन तो चल ही जाएगी कैट या किटन को. एंड मेक श्योर कि हम इसे पहले सैनिटाइज कर ले. और मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली फीड करवाऊँगी अपने कैट्स को इसमें. सो ये रबर स्टॉपर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मूवेबल है. जल्दी कैट अगर इसमें खाएगा, ज़ोर लगाएगा तो ये मूव हो जाएगा और सब कुछ फ्लोर पे गिर जाएगा. तो हम स्टॉपर्स को फिट कर लेंगे एंड फिर हम इसमें अपने कैट को सैनिटाइज करके पहले पूरे बोल को एंड फिल्टर वाटर हम हमारे बॉटल में डाल के कैट को फीड करवाएंगे. देखते हैं इसके मतलब कैट को ये कितना पसंद आता है नहीं आता है. तो अभी पहले हम जो रबर स्टॉपर है उसको लगा देंगे ताकि ये मूव ना हो एंड फिर हम डायरेक्टली कैट को इसमें फीड करवाएंगे और पानी देंगे. सो ये फुली लग गया है एंड बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि बंगाल कैट्स का प्रॉब्लम ये है कि वो पानी बहुत ज़्यादा उछाल के पीते हैं. तो मुझे हमेशा से दिक्कत रहती है. मैं चाहती हूँ कि डिस्पेंसर जो है वो थोड़ा ही पानी डिस्पेंस करे तो बेटर है. इसका काफ़ी ही क्यूट डिज़ाइन है कैट का ही एंड ये डॉग और कैट के लिए दोनों के लिए काम आ जाएगा. और आपको अगर दिख रहा होगा तो ये उसका कैप है जो कि अपने आप डिस्पेंस करेगा पानी को. सो आप वॉश करने के टाइम ध्यान रखें कि ये आपको नहीं घुमाना है, अदरवाइज़ आपको नहीं तो इसका कुछ एक्सटर्नल जुगाड़ करना पड़ेगा. सैनिटाइज होने के बाद हम डायरेक्टली अपने कैट को इसमें फीड करवाएंगे. सो अभी मैंने पानी जो था फिल्टर वाला ले लिया है. अब हम इसको डायरेक्ट डालेंगे. सो अब हम इसे फिट कर देंगे एंड ये बॉटल को हम इधर प्लेस कर देंगे. एंड हमें ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे से फिट हो जाए. हाफ लीटर की बॉटल है तो एक दिन अपने कैट्स को चल जाएगी एंड काफ़ी कम पानी है तो जैसे बंगाल कैट्स जो उछालते हैं तो ज़्यादा उन लोग ख़राब नहीं करेंगे पानी को एंड इजीली पी लेंगे. सो हम डायरेक्टली अब हमारे कैट को फीड करवाएंगे इसके अंदर. देखते हैं कैट खाता है या नहीं खाता है या उसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कैट्स को अगर उनके बोल में ज़्यादा पसंद नहीं आता है तो वो थोड़ा सा खा के छोड़ देते हैं. तो हम देखेंगे कि अपने क्या हमारे कैट्स कितना खाते हैं. सो मुझे सीरियसली ये देखना था कि ये मेरे लिए यूज़फुल है कि नहीं है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ एंड मुझे कैट्स को छोड़ के जाना पड़ता है घर पर. तो हम चाहते हैं कि कैट्स को स्पेसिफ़िकली पानी और फूड दोनों ही प्रॉपरली मिले, क्योंकि जब मैं वापस आती हूँ मैं देखती हूँ कि बगीरा और हूर दोनों ही पानी के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं. बहुत ज़्यादा पानी घर में गिरा होता है हर जगह एंड हमें ये चीज़ से रोकना था. इसलिए मैं चाहती थी कि कोई ऐसा डिस्पेंसर मिले जो सिर्फ थोड़ा ही पानी हम डिस्पेंस करें और यूज़फुल रहे. सो अभी हमें इनको आदत लगानी थी कि हमने ये उनके लिए नया लेके आए हैं. सो हम थोड़ा सा जो इनका फेवरेट ट्रीट है वो इसमें डालकर इनको ट्राई करवा रहे हैं. एंड जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है ये लोग बार बार जा रहे हैं.
वाटर भी इनटेक कर रहे हैं, और देखिए ये रबिंग नहीं कर रहे हैं जो कि ये ज़मीन पे बार बार रब करते हैं, ताकि इनको ये समझ में आए कि ये पानी फ्रेश है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग पी रहे हैं। सो आई मस्ट से, अगर आप वॉकिंग है तो प्लीज़ डिस्पेंसर यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ अगर आप घर में आप 24 आवर्स आपके कैट्स के साथ होते हो तो आप दोनों बोल यूज़ कर सकते हो, सो देर इज़ नो इशू। बट जो भी वॉकिंग है वो प्रेफर करें कि ये वाला डिस्पेंसर मंगा ले, ऑर्डर कर ले, ये सब जगह अवेलेबल होते हैं, थोड़े अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, बट मेक श्योर कि इससे ज़्यादा बड़ी बॉटल आप ऑर्डर ना करें, क्योंकि हाफ लीटर होगा तो आपको क्लीन करने में आसानी होगी। अगर आप इससे बड़ा लेंगे तो कभी कभी कैच थोड़े ज़ोर से वो गिरा भी देते हैं वेट से। तो अभी मुझे जहाँ तक के ये बहुत पसंद आया है, क्योंकि 2-in-1 काम हो रहा है मेरे पास। अगर आप पहला डिस्पेंसर देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा है, जिसमें मुझे दिक्कत जा रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं ये स्पेसिफ़िकली अलग अलग अपने कैट्स के लिए मंगवाऊँ। तो अभी तो मुझे फ़र्स्ट ट्राई करना था, अब मैं बाकी सारा भी ऑर्डर कर लूँगी। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है और यूज़फुल लगा है तो आप लोग भी ये वाला डिस्पेंसर ऑर्डर कर लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो मुझे कैच बाय कैच पर, जो कि मेरा ऑफिशियल आईडी है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, कीप फॉलोइंग, कीप लविंग, और मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूँगी। हमारा अडॉप्शन का जो गिव अवे चल रहा था, तो उसके विनर्स भी मैं कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ, सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मैं लिंक नीचे दे रही हूँ, जहाँ पे जितनी भी हमारी पब्लिक है, जितने भी हमारे फ़ैन हैं, और जिन्हें रीसेंट अपडेट्स हमारे कैच के ऊपर चाहिए रहते, आइटम्स के ऊपर चाहिए रहते, कैच सप्लाईज़ के ऊपर चाहिए रहते, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड मेरा जल्दी ही नया वीडियो आने वाला है, एंड आपका प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड कीप लविंग।